साजन, अरे कहाँ तो दिए रे भाई, फोन लग रहा ही नहीं रे भाई तेरा, कॉल की उठा रहे हैं फोन, रॉन्ग नंबर बोल रहे हैं। ये नंबर पे करे तुम? आओ यार ये नंबर थोड़ा आगे पीछे था, अच्छा मार रहा हूँ फोन, उठा रहे नहीं फोन, फोन मार रहा हूँ, कोई लेडीज उठा रही। मैंने ये है मेरा नंबर, दो तीन जनों मैंने नंबर लिया, मैं दो तीन जने यही नंबर दिए, लेकिन मैं फोन मार रहा हूँ, फोन उठा रही नहीं, कोई लेडीज उठा रही, नहीं नहीं है आएगी। ये नंबर तो ये मेरा नंबर, प्रोफाइल तो साजक बोल के लिखे हुआ नहीं भाई। यार अपन को पढ़ने लिखने कहाँ से आता है साधक बाबा, आपने को ट्रू कलर में यूज भी नहीं करता हूँ। दो तीन जनों में तुम्हारे भोरे नंबर दिए तीन बार, तुम नंबर बोल रहे ये छे, मैं मार रहा लग रहा नहीं फोन। अच्छा जान दो नंबर का छोड़ो, देखो साधक भाई आपको बोलना इस बात पे था, भैया की तो तबियत खराब है, अब उनसे बात करना बोले तो मेरे को अच्छा नहीं दिखा, मैं लाइट ले लिया, ये आपका भाई डेली आ रहा भाई, एक दिन आ रहा नहीं है, पूरी बस्ती बात, अब मैं मारूंगा पीले के पड़ते करके, पुलिस में कंप्लेन करा, पुलिस वाले आ रहे, हम क्या करना भाई, उनके घर वालों को बोलो, हम पीले के कुछ भी नहीं कर सकते, मैं दिन में कंप्लेन कर रहा हूँ, दिन में पुलिस वालों को मिल रहे नहीं, दिन में फिर रहे हैं, रात में आ रहे हैं मछली पकड़े घर के सामने पीले का तमाशा कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले, दो तीन महीने पहले भी नहीं, पीले के अम्मी के ऊपर हमला करने आया तो हमारा मार के करके अकाले उस दिन घर में नहीं आ। देखो भाई मैं आपको एक बात जता के बोल दे रहा हूँ, मैं मेरे को मेरा बाप मेरे को बहुत अजीज है भैया, उन्हें हमारे अम्मा को कुछ बोल लिया, बहन को कुछ भी बोल लिया, वो उसके किस्मत में है, मैं कच्चू बैठ गया उसको, लेकिन उन्हें मेरे बाप का नहीं आ रहा भैया, मेरे को वो बर्दाश्त नहीं होता। देखो मैं सुनो मैं आपको एक बात बोल दे रहा हूँ, सुनो आपको मैं जता दे रहा हूँ, आपके घर वालों को मैं कुछ भी कराता मेरे नाम पे नफा बोलो। देखो भाई तुम जो करना है करो, हमारे बीच में लोगों को न्याय दिया ना गालियां दे के अंदर। नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को सोफी में रहना बोल के, उन्हें खाली मेरे को पीले के मिल रहा, उसको पीले के मैं कुछ भी उसको करूंगा, हाथा पाना तोड़ दूंगा बोल के वो मैं, लेकिन उन्हें पीले के मैं हमारे घर के तक नफो, तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारी बहन का भाई मरा देव ने क्या करते कर लो, हमारे घर से कुछ भी टेंशन नहीं है। इससे पहले भी दो तीन महीने पहले अम्मी के ऊपर हाथ उठा के पीले खा लेके कटे ही बोला गाने के लिए तो धान थोड़ा डाल के मैं भी उस दिन से अच्छा भाई कल के सुनो सुनो, हमारे घर का कैसा किस्सा है बोले तो, हमारे घर का जिम्मेदार मैं हूँ साधक भाई, समझ नहीं बात, हमारे घर का जिम्मेदार मैं हूँ, आपके भाई को मैं कुछ भी करा हूँ, जेल को जाने भी राजी हूँ, लेकिन मैं जेल को गया ना तो आप लोगों की जगह पे रहना, एक महीना दो महीने तीन तो मेरे को दो तीन महीने से अंदर नहीं रखती, मेरे को बाहर निकल जाती, जब तक आप मेरे स्थान में जो रह रहे हो तुम्हारे अम्मा भगवान समझ कर। सुनो मेरी बात सुनो, हमारा काम था तुम्हारा हमारा काम था शादी कराना था, करा दिए दे दिए, लंगा बुल्लंग की जिंदगी जी ले रहे, अब हमारे घर से तो उन्हें बेदखल के हिसाब से खरीदा तो उन्हें, अम्मी से तो ना बातचीत है ना हमारे घर वालों से कुछ भी बातचीत नहीं है, अब तुम्हारी बहन से उन्हें है जोरू मरद है, तुम्हारी बहन से पूछ लो क्या करना है उसके बाद कर लो, हमारे तो मतलब अरे हमारी बहन का खुद भी कंसर्न नहीं है यार, पैसा घर का वो तो उसकी बड़ी बच्ची को मेरे घर में लाके मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे भाई का कंसर्न क्या है बोलो, उसका कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे को तुम्हारे घर वालों की पूरी जिंदगी में दाव पे लगा लेकर बैठूं, मेरे चार छोटे भाइयों के भतीजे उन लोगों के साझा कराना है, उन लोगों की घर जिंदगी देखना है, मैं इसके पीछे तुम्हारी बात दुरुस्त है नहीं, सुनो सुनो मैं उस वजह से इस बात से तुम्हारे को ये बोल रहा हूँ, देखो बड़े भाई मैं कुछ भी कदम उठा रहा हूँ नहीं, मेरे घर वालों के वो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारा भी एक बड़ा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई गलत ना जाए किसको तकलीफ दे रहा सीखा के बोले तो तुम भी बीच में ले जाते, अच्छा रह के हम चार से अगर लड़ जाते तुम बीच में जाके ठहरते भाई। देखो देखो साजा लो तुम मेरी बात सुनो सुनो सुनो, हमारा भाई पिता नहीं पिता नहीं हमारा भाई पिता, लेकिन सुनो सुनो पिता उन्हें कहाँ पिता अपने को नहीं मालूम है, मैं क्या पीले हमारे को तुम्हारे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आदमी उससे सुनो दस्तगी रुपए से मेरे को पीने का कुछ भी नहीं है भाई, मैं उनको दस्तगी रुपए की बात करा, उनकी आप लोगों का लड़ाई झगड़ा इनका माँ की इनकी बीवी का इनका बाप पे आ रही, हमारे अम्मा पे आ रही, मैं कंप्लेन सुनो जाके पुलिस कंप्लेन कर रहा हूँ, पीएस ने मेरे को क्या बोल रहे हैं पीले के भाई हमला उसको मारना क्या करना बोलो, पुलिस कैसी है तुम्हारा मालूम ना, सोफी में बोल रही पुलिस, सोफी में माँ की जी मिल रहे नहीं, अपन अब मेरा घर चलाऊ मैं इनको ढूंढ लेते फिर तुम बोलो तुम क्या करूं मैं। अरे मेरे को एक ही बात बोलना है साधक भाई, देखो आपके घर वाले आपके अम्मा मेरे अम्मा के सर के आपका बड़ा भाई मेरे को भाई के सर का है, आप मेरे बड़े भाई के सर के है, बस मैं ये बोल रहा हूँ आपके इनके बीच में अपना नफा हो। देखो भाई परसों तुम मारे तुम्हारा भांजा मारा हमारा कोई आए बीच में मेरे भतीजे उठ उठ के आ रहे थे, मैं लोगों को गालियां दे के भैया मार के अंदर भी जाओ जाना नहीं देगा ना तुम,
सही करे, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मैं इस वास्ते बोल रहा हूँ। देखो सुनो, अभी भी रोको भाई, ना जाए तूने किसी को तकलीफ दे रहा है, तुम्हारे को नहीं, दिल्ली वालों को, दूसरों से भी बाहर लड़ लो, हम लोग बीच में जाते हैं, हमारे तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा रहता उसकी जगह उन्हें यासिन रन दो, फैज रन दो, हमारा बड़ा भाई रन दो, हक पे बोलता ना, इन्हें ना हक तकलीफ देना, दुनिया वालों को सता रहा था, मैं कहीं को जाऊँ बीच में, तुम्हारी बात अच्छी है, दूसरे जनों को जाने देता हूँ। देखो सुनो, चार भतीजे भाइयों के तो लोगों का जिंदगी, उन लोगों की जिंदगी देखना है मेरे को, इसके बिल्कुल जिंदगी खराब कर लूँ मेरे घर वालों की। तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, आप ऐसा करो भाई, हम भी आपके साथ है। कुछ भी है, देखो मेरे को तो टांगा हाथ खोड़ के घर में बिठा देना है, हमारी बहन के उदाहरण खासा तुम्हारा भाई, अगर कुछ भी हो गया ऊंच नीच मेरे को, देखो भाई मेरे को मरे तो मुंह दिखाना है, अगर हमें कुछ हो भी गया हमें जेल भी चले गया ना भाई, तो देखो सुनो, आपको मेरे सामने घर वालों की जिम्मेदारी दे रहा हूँ सागर भाई, आप छोटे भाई बनके मेरे घर वालों को देखना, एक बात आप याद रखो, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ फोन पे, समझ गए ना बात, तो क्या मार दे रहे जानते सुनो, हम कहा तुम भाई तुम्हारे वालिद साहब हमारे अम्मी पूरे मिलकर शादीशुदा अच्छी जिंदगी उसको कराए, कराने के बाद इन्हें नहीं रहता हूँ बोला, ऊपर लेके आके छोड़ दिए, कर दिए सो तशवा होगा पूरे गली वाले दबा दे, फिर उसके बाद इन्हें बाहर क्या कर लिया नहीं मालूम, अब इन्हें फिर से कर लिया क्या कर ले रहा है, हमारे उस दिन से हमको हमारा कंसर्ट ही नहीं है तू। देखो सर देखो भाई, तुम्हारे को क्या है मालूम है, ये हंसी मजाक दिख रहा था देख, लेकिन लोग नहीं, तुम भाई तुम गांड हुए क्या बोल रहे सारे, मेरी अरे नहीं सुनते रहता देख, देखो मालूम है क्या, अल्फाजा मैं कैसा सुनू तू बोल बाप, अच्छा देखो एक महीना पहले मैं छोड़ गया था पीना, सही रह रहा था, जाके फिर बच्चों से मिलकर वहीं से रह रहा था, बच्चों के साथ ही रह रहा था, जरूर बच्चों, फिर क्या होगा कि सिर्फ 15-20 दिन का फिर स्टार्ट करा, फिर स्टार्ट कर लेगा, लड़ लेगा कर लेके, यहाँ भी गाली गुलू 15-20 दिन मेरे को, देखो सुनो सुनो, मेरे को मारना है नहीं ना सादेक भाई, तो अपन नहीं बोल सकते क्या होने वाला है, मैं एक ही बात बोल रहा था देखो भाई, मैं आधा बना तोड़ देने वाला हूँ, पुलिस कंप्लेन होती, पुलिस वाले आते मेरे को ले जाते, एक महीना दो बच्चों बैठ जाना चाहूँ मैं, खुली खुली बात, बस आप लोग क्या है मालूम है, आपके भाई ना अम्मा को 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 करते, हमारे भाई ना इधर से को 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 करते, हमारी भी गांड पे थूकते, मेरे को भी क्या है मालूम है, मेरे को भांजे भी है, आपको भांजे भतीजी हमारा कुछ होता, समझ में आ गई बात, हमारी हमारा घर से उन्हें रहता नहीं, उन्हें तो कभी 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 आ रहा वो मुंह दिखा ले, खाना खा ले रहा, चले आ रहा, शहर ठहरा नहीं उन्हें, आया तो भी वही रोड पे बाहर आ रहा, ऑटो में सो रहा उन्हें, घर में भी नहीं आ रहा उन्हें, घर में वो 15-20 दिन ऑटो रखने आ रहा था, वो जरूर बच्चों के पास गया बोल के ऑटो यहाँ रख देगा, वहाँ चले आ रहा था जरूर बच्चों के पास, अब उन्हें ऑटो भी नहीं रखता उन्हें, अरे क्या करना बाकी है, जाके रोड पे ठहर के अम्मा भंग नवाज रहा है, किराएदार नहीं घर खाली करो बोल रही, उन्हें कितने घर में बताना बोलो तुम, नहीं अच्छा सही था ना, फिर कहीं लड़ रहा थे क्या कमी हुई थी, कुछ भी कर ले रही, मैं बोला बाहर के पैसे मैं देता हूँ, काम भी होगा तो उन्हें अपने को छुपा के काम वाम कर ले रही, महीने को महीना में पैसे भी जाता हूँ, उसको चावल भी जाता हूँ, उसकी एक बड़ी जो बच्ची है अंजुम, तू उन्हें घर में बड़ी हो गई ना भाई, उन्हें यहाँ हमारे छोड़ दिया, हमारे घर में हमारे बहनों ने हमारे अम्मा के साथ रहती, बल्कि बड़ी बच्ची यहीं रह रही ना, तो तुम्हारे सामने स्कूल को जा रही ना, उन्हें हमारे पास ही रह रही, उन्हें अपनी अम्मा फोन को नवाजने लगा लेंगे क्या तुम बोलो, तुम कितना बोल क्या करेंगे बोलो, वैसे करता है तो वैसे कर रहा हूँ ना भाई, मैं हाथा बना या अम्मा बनता नहीं होती ना, रोड पे तो नहीं निकल सकते ना उन्हें, थोड़े दिन पहले अम्मी से लड़े, जब से उन्हें घर को सही आ रहा नहीं, बाकी सामान से किससे भी नहीं है ना, मेरे से है ना, अम्मी से है ना, भाई से है ना, कभी कभी वो आया करा तो कभी किसी ना, देखो सारे भाई मेरी एक बात सुनो, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मैं कुछ ईच नीच हो गई, आप आपके घर वालों को संभाल लो खाली बस, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, देखो भाई आपकी अम्मा बहना मेरी अम्मा बहना है, बस आप आपके अम्मा बहनों को संभाल लो, बस आप आपकी जगह रहो, मैं आपको सुनो, उन लोग मेरे ऊपर कल के दिन कुछ भी आना चाहिए ना, तो मैं अम्मा लोगों की गैरों की, वो लोग भी मेरे क्या है मालूम, मेरे बड़े भैया बच्चों के करके है, मैं इस बात से बोल रहा हूँ, अगर हमें कुछ कर दिया हमारे घर वाले भांजे भजे कुछ भी करेंगे, होता कुछ भी नहीं, तो पूरी फील्डिंग बिठा के जाता हूँ, कुछ भी अगर करे तो फिर पलट के देखो भैया, तुम्हारा भी मेरे दुश्मन बन जाते, देखो साधक भैया भाई, बस ये बात जताना चाह रहा हूँ, देखो दुश्मनी तुम्हारे पूरे घर से हो जाती मेरे, अब दुश्मनी तुम्हारे फिर मेरे को भाई से है, तुम्हारे अम्मा बहना ये करे वो करे ये हुआ, मैं सब भूल जाओ, खत्म हो गया, हमारे अम्मा बहना गालियां दिए, तुम्हारे अम्मा बहना गालियां दिए, मैं उससे मेरे दिल में किसके वास्ते भी कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट मेरे को इनसे टेंशन है, देखो भाई बस ये टेंशन मेरे को इनसे रखने दो, आपके घर वालों से मेरे को टेंशन ना पहुंचने दो,
बस ये आपके घर वालों को आप खाली बोल दो, आप उन लोगों को देख लो, आप भैया की तबियत खराब है देखता है, सुन हमारे भतीजे आते हैं ना हमारे मिल, नहीं नहीं सुनो भैया की तबियत खराब है, सुन भैया सुन सुन सारे भैया वहाँ बैठ रहे हैं, मेको को अच्छा नहीं दिख रहा, मैं सलाम करके परसों कैर कर दिया उनसे, कैसे भाई घर घर में रहो सुकून से, नको जाओ बोला मैं इनको वहाँ पे, उन्होंने बोले नहीं लिया नहीं जा रहा हूँ, बात बात बोलता हूँ मैं, ये भी सोचो बोलो कुछ भी आगे कदम उठाने से पहले ये भी सोचो आज तुम्हारी जिंदगी क्या है, अपन तुम्हारे भी बच्चे है उसको भी बता रहे हैं, सुन बात सुन सुन तेरी बात सही है, रेकमेंड कर रहे तू सुन रहा ये, अरे तू हटी बात सुन बाप, अपन होटल में जा रहे ना चाय पीने गए समझ, अरे चा बड़े पहलवाना है मारू उसको मारू बोलते है, ठहर के एक जना अम्मा बहन को नवाज रहा है मार के पानी के फिल्टर में तीन जनों को, ये अपने आज बोल लेते हैं कल 10 साल के बाद तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकते, 10 साल के बाद तुम्हारी बहन तुम्हारे आंखों के सामने रहती, उसका मरत नहीं रहा तो तुम्हारा गल्ला जब उन्हें पकड़ती उंगलियां उठाती उन्हें तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहन, तू मारो मेरी बहन को मेरे तू बोलती उन्हें आज अच्छा आज दूसरा आज बुरा होने, अगर कल के दिन उसको ऊपर वाला हिदायत से अच्छा बनाता तुम्हारे आप तो तुम्हारी जो तुम्हारी बहन के आपसे अच्छा रहता, वो मेरे भाई समझेंगे तुम्हारे को अंदाजा नहीं है मेरे भाई, मैं छुट्टी को हाथ लगा लगा के समझाया दस्तगीर भाई को, अब थोड़े दिन से मैं उनको छोड़ दिया, नहीं तो ऐसी हालत थी उनके साथ में जो आटो वाले जो उनके ड्राइवर आए ना शराब पीने वाले मेरे जनों की गांड फोड़ डाला, मैं लोग डर रहे थे तुम्हारा साला मार रहा भाई तुम्हारा साला, तुम लोग को नहीं मालूम रे भाई मेरी कितना बोली तो भाई बोल के भाई गांड फोड़ डाला आटो वालों की, इनके सामने शराब की दुकान पे तीन जनों को मारो मुझे निकल के भाग गए तो इन्होंने सबके सामने मेरा गल्ला पकड़ लिया, मेरे दोस्तों भाई को मार रहे तुम, अरे यारो ऐसी गांड फोड़ देता तुम्हारे साथ कोई भी दिखे तो तुम अकेले पी लो बोल के निकल गया, मैं कितना बोल के करूँ रे भाई क्या करूँ बोल तू तू खुद बोल, मेरे को जान से मारना नहीं है भाई, मैं जान से मार के ऊपर अल्लाह के सामने मैं गुनहगार नहीं बनना चाह रहा हूँ, वो क्या होता कि मेरे को नहीं मालूम, मैं उन्हें मिल रहे भी नहीं मेरे को, मैं दो तीन दिन तुम्हारे को देख रहा हूँ बोल दूंगा बोल के चुप, टेंशन तुम्हारे मेरे बीच में तुम लोग हमारे बीच में नहीं होना बोल के, तुम मेरे को मिल रहे नहीं तो लंबर लेके फोन करा, बस मैं एक ही क्लास बोलना चाह रहा हूँ भाई, आप आपके घर वालों को संभाल लो अल्लाह के वास्ते, कुछ ऐसा हो गया तो अपनी जगह पे रहो बोलो, नहीं अगर कुछ कर रहे हैं तो करो बोलो हंगामा, टेंशन कुछ भी नहीं है, देखो अच्छे आदमी को कोई हाथ भी लगाए तो पूरा जन उसके साथ ठहरे हुए तो अच्छा है ना आदमी बोल के, खराब है कोई बाहर है कुछ भी बोले तो कोई बीच में नहीं आते ना, बात आता ना बहन ऐसी ना भाई आता भाई, मैं खराब था दुनिया वालों को दम कर रहा था उसके मारे तो भी उसके अपने से मारे उसका सगा ताला मारा उसकी जोरू करके मारा खिलाई बोलते कोई बीच में नहीं आते, बस आगे तुम्हारी देखो भाई हमारे फैन का रहेंगी तो हमारे यहाँ से हमारे घर के आस उसके बच्चे रहेंगे उसके बीवी बच्चे हमारे यहाँ से रिश्तेदार रहेंगे अम्मी के हाथ में, जब उसको कुछ होगा तो हम अभी किसी को कुछ देखते नहीं करते ना, अरे अच्छा भाई तो ये खुली खुली बात तो आप लोग आप क्या देख रहे हैं सारे तुम्हारी मेरी बात दोनों बात बोल रहा हूँ भाई, बाप को पैदा हुआ से घर को पैदा नहीं हुआ हमारे बाप को पैदा हुआ से हमारा आज नहीं करना है घर का बच्चा घर को कभी ना कभी होता जो आज नहीं कल जिंदगी में कभी ना कभी होता वो कोई ऐसा निकाल के नहीं फेंक सकता, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ निकाल के फेंकने का हमारा घर का जवन है जो माँ पैदा करी वो